एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपकी हायर सेल्फ, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, वो कुछ बताना चाहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डीप रीडिंग रहने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे साथ पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस। फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बच्चे खेल रही हैं तो हो सकता है उनकी आवाज़ आए, ठीक है। थैंक यू सो मच एक्वेरियस कि आप मेरी ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच आर बींग्स। प्लीज़ बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि देख रहे हैं, राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, थैंक यू एक्वेरियस। ओके, सो मैनी कार्ड्स, तो ओके मैं क्लिक करके लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच आवर बींग्स, थैंक यू एक्वेरियस। The Hermit, very deep. Thank you, Aquarius. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, higher beings. Oh my God, the star. Thank you. Thank you. Very wise. The king. Okay, the king. King of Cups. Beautiful. Very deep. The Emperor. Oh my God. 3 major arcanas and bottom of the deck, page of swords. Very intelligent Aquarius. Yes. Okay. My dear Aquarius, ये इतने beautiful और powerful cards हैं। आपकी जो higher self है वो आपको बताना चाहती है, आप में बहुत विजडम है, बहुत वाइज सॉल हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट और एक वाइज सॉल, बहुत कूट कूट करके नॉलेज आपके अंदर भरी हुई है। और आप इस दुनिया पर, जो आए हैं, आप राज करने आए हैं, समझ रहे मेरी बात। आपका कुछ एक पावरफुल एक शेयर है इस दुनिया में, मतलब कुछ शेयर करने आए हैं, या कुछ मतलब कुछ कर, एक कहते हैं ना कि दुनिया पर राज होना, तो ये छोटा मैसेज नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आप जितने भी इक्वेरीज इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, आपको मेडिटेशन मस्ट है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो अपने अंदर की जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसे ओपन कर सकें। यहाँ पे आपको कुछ वक्त अपने लिए, मैं कहूँगी अकेले बिताने की यहाँ पे ज़रूरत है। विद द हर्मिट कार्ड वो आपका पाथ आपको दिखाई देगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस धरती पर, इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस जीवन में करने क्या आए हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं,
बिलीव मी, आप बहुत पावरफुल हैं, आप किसी बहुत बड़े काम के लिए डिस्टाइंड हैं। ये स्टार का कार्ड और ये स्टार, ये मुझे इतना फोकस में आ रहा है, इसकी जो ये रोशनी है वो चमक। और यहाँ पे हमारे पास द एम्परर की एनर्जी, द एम्परर कार्ड, एक एक एम्परर दुनिया, ये ग्लोब है, देख रही हूँ आप तो, ये ग्लोब पे बैठा है और इसके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है। बेसिकली आपको अपने अंदर की पावर को ओपन करने की ज़रूरत है। और आप अपनी पावर को कैसे पहचान पाएंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे, तब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ जो हैं, वो आपकी जो विजडम है, वो जो इनर विजडम है, वो ओपन होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, आप लोगों को टाइगर आए उसके साथ काम करना चाहिए। टाइगर आए एक क्रिस्टल है, एक उसकी आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उसकी आप माला पहन सकते हैं। वो विजडम के लिए भी होता है और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करने के लिए, अपने अपने एबिलिटीज़ को बेसिकली ओपन करने के लिए होता है। आप इस क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको ये रिकमेंड कर रही है। आपका क्राउन चक्रा, जब आप ये मेडिटेशन करेंगे ना, आप अपनी इंट्यूशन, आपकी अपनी इंट्यूशन से जुड़ जाएंगे और आपका हार्ट जो है वो ओपन होगा। आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, आप बहुत चीज़ें रिसीव करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे मैं कहूँगी, जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, आपको ड्रीम्स में कुछ नज़र आ सकता है, आपको डाउनलोडिंग्स हो सकती हैं आपके क्राउन चक्रा के थ्रू, बहुत 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 डीप डाउन। आप बहुत गहराई तक पहुँचेंगे, आपके अंदर बहुत नॉलेज है। और ये जो है, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकते, एक्चुअली ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव में है ये। तो आप में से बहुत लोग यहाँ पे, आप लोग ओल्ड सॉल हैं, आप लोग न्यू सॉल नहीं हैं, आप लोग ओल्ड सॉल हैं, री इनकारनेशन बहुत पहले से, और पहले पिछले जन्मों में भी आपने कुछ ऐसा क्रिएट करा है या ऐसी नॉलेज ली है, वही आपके अंदर है। आपके अंदर वो नॉलेज कहाँ से आई, जो आपने पिछले जन्मों में वो कलेक्ट करी है, वही विजडम है, वही नॉलेज है, वो जो साधना आपने करी है वही है। तो यहाँ पे आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ का वो पाथ नज़र आएगा जिसके लिए आप डिस्टाइंड है और जिसके थ्रू आप इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये राज करना, ये नेगेटिव वो वाला नहीं है कि दुनिया पे राज करना, दुनिया मेरे कंट्रोल में, नो, एक वो फेमस पर्सनालिटी बनना, समझ रहे मेरी बात? यहाँ आपका हार्ट ओपन होगा, यहाँ कुछ आप ना जैसे कि किस इस दुनिया में कुछ ऐसा करने आए हैं, आप मदर अर्थ की मदद करने के लिए आए हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे मदद करने आए हैं, और आपकी यही नेचर और यही काम जो है आपको बहुत फेम दिलाने वाला है। यहाँ पे आप बहुत मैं कहूँगी लाइम लाइट में आने वाले हैं, और इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से जुड़िए, और जितना हो सके बुक्स के साथ फ्रेंडशिप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास बुक, या और ये फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये मुझे हमेशा ऐसी एनर्जी देता है जैसे कि आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, आपका हार्ट जो है ब्लॉक्ड है, तो बेसिकली उस पे और उसे ओपन करने की ज़रूरत है। और एट ऑफ पेंटिकल, काम तो करना है आपको, हार्ड वर्क करना है, लग जाइए। मैं कह रही हूँ अच्छी अच्छी बुक्स को रीड कीजिए जो आपकी नॉलेज में इजाफा लाए। मैं आप सभी के लिए एक बुक है मेरे पास, आई होप, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स, ये है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, और आई थिंक तमिल में भी आती है, और भी अदर लैंग्वेजेस में ये आती है।
महाराष्ट्रियन में भी आती है ये लैंग्वेज में, तो आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत चीज़ें अनफोल्ड करेंगे, आपके अंदर की वो जो विजडम है वो ओपन होगी, नॉलेज जो है आपके अंदर, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम वो ओपन होगी, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको ऐसा लगेगा कि यस कुछ चीज़ें हैं आप जानते हैं। तो आपको ये आपको फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ोन पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स को रीड कीजिए, और यस ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नॉलेज ग्रहण करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, आपका हार्ट जो है ना वो ब्लॉक्ड है अभी, अपने हार्ट पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कीजिए। रोज क्वार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे फोकस में आ रहा है मैं आपको यही बोलूँगी कि आप टाइगर आई के साथ काम कीजिए। टाइगर आई की माला जो होती है वो आप धारण कर सकते हैं, ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उससे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है, अपने अंदर झांकने में, अपनी इंट्यूशन को ओपन करने में। आप बहुत बड़े काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते, आप में कितनी पोटेंशियल है। बिलीव मी, ये पाइल या ये जो है स्प्रेड है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग, मैं कहूँगी बहुत पावर है इस स्प्रेड में। जो लोग टैरो रीडर हैं, अगर आप टैरो के बारे में जरा सा भी जानते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा ये देख करके कि कितनी पावर है इसमें। और यस अपने अपने आपको जो वायलेट कलर होता है, जामुनी कलर जो होता है, उसे भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और एमेथिस्ट क्रिस्टल ये होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल इसका ब्रेसलेट है मेरे पास, तो आप इसके साथ भी वर्क कर सकते हैं। ये आपके क्राउन चक्रा के लिए और थर्ड आई के लिए होता है, तो बेसिकली ये बहुत ही स्पिरिचुअल और हाई वाइब्रेशनल स्प्रेड है ये। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा वक्त आपको अकेले में निकालने की ज़रूरत है, एक हर्मिट मोड में अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। अपने साथ बिताइए, अपने साथ मेडिटेशन कीजिए अकेले में बैठ करके, और क्वेश्चन कीजिए कि हु एम आई, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, इस तरह के जो वाइज क्वेश्चंस है वो करने की ज़रूरत है। और कुछ हद तक के तो क्वेश्चंस के जवाब आपको इस बुक से मिल ही जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्वेरियस, वेरी डीप, वेरी वेरी डीप मैसेजेस। थैंक यू सो मच एक्वेरियस मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही मैं ये इतनी अच्छी और डीप रीडिंग कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस के हायर सेल्फ उन्हें और क्या मैसेजेस, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। थैंक यू एक्वेरियस। कंपैरिजन, यस ये तो है ही बिल्कुल। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहती हैं एक्वेरियस के हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू। या वेरी डीप सेवन प्रोजेक्शन। थैंक यू ओके। बहुत सारे गिर गए हमारे पास, ठीक है, तो मैं ये सभी ले लूँगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनिंग। ओके मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ या ठीक है। कंडीशनिंग, देन हमारे पास है इनर वॉइस, या देन है सप्रेशन एंड फ्लावरिंग। ये तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आप लोग जो हैं
कुछ शेयर करने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसको यूज़ कीजिए। आपको यही मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये है, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आप पे, कुछ भार हो या कोई ऐसा बैगेज हो आपके ऊपर, तो उसे ख़त्म करने की, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके दिल पर कोई बोझ है या आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं या किसी से माफ़ी चाहते हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो किसी ने आपके साथ बुरा कर रहा था तो उसे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। उससे आपका हार्ट हील होगा और ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा में। तो ये मुझे यही मैसेज दे रहा है, कुछ बैगेज है आपके दिल पर, ये मुझे आपके हार्ट पे नज़र आ रहा है। कुछ बैगेज है जिस पे कि आप बहुत उलझे हुए हैं और आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है, बंधा हुआ है, और वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू बिगनिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है अभी। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है, कंपैरिजन, कंपेयर नहीं कीजिए अपने आप को। सबकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई किसी कोई मोटा है, पतला है, या किसी ने कम मेहनत करी उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, या किसी भी तरीके का कंपैरिजन, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि सबकी अलग क्वालिटी है, आप में कुछ अलग है, तो उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उससे ओपन करने की कोशिश कीजिए और उसे खिलाने की कोशिश कीजिए। प्रोजेक्शन डीप डाउन, जो ऊपर आपके जो है, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये द मून की एनर्जी है। आपको डीप जाने की ज़रूरत है, उसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर इनर वर्क की ज़रूरत है, अपने अंदर की खोज करना। और कंडीशनिंग कार्ड हमें यही बता रहा है, आप में वो स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपका सर्कल ऐसा हो, आपके फ्रेंड्स ऐसे हो, या कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन में हो तो आप अपने आप को इनकी तरह समझ रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ बंदिशें हैं यहाँ पे, कुछ कंडीशनिंग्स हैं, तो उससे बाहर निकलिए आप, अपने दिल को खोलिए और अपनी पावर को समझिए। आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, इनर वॉइस। ये देख रहे हैं क्लियर क्वार्ट्स, आपके लिए क्लियर क्वार्ट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने अंदर की खजाने को, ट्रेजर को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, अपने से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ या आई हूँ, मुझे क्या करना है, समझ रही मेरी बात। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहला ये मैसेज आपको दे ही दिया था कि आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी लगा पाएंगे ना अपने थर्ड आई पे, बिलीव मी, आप थोड़ा बहुत भी अगर आप करेंगे तो आप बहुत मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मेडिटेशन के लिए मैं बोलूँगी, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो। एक्वेरियस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मैसेज, थैंक यू सो मच एक्वेरियस, मेरे साथ इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस के हायर सेल्फ, एक्वेरियस को? बहुत सारे मैसेजेस, क्या बात है कि हायर सेल्फ सारे मैसेजेस आपको आज ही देना चाहते हैं क्या? ओके, ये देखिए यहाँ पे जर्नी का कार्ड है हमारे पास, और फोर्थ चक्रा। मैं तो इतनी देर से आपको बोल ही रही हूँ, आपका हार्ट, ये हार्ट चक्रा है, फोर्थ चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, उसे ओपन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एंजल्स के बारे में नॉलेज है आपको, अगर आप जानते हैं, तो आर्च एंजल रेफेल से प्रेयर कीजिए। वो डेफिनेटली, वो हार्ट चक्रा की ही एंजल हैं और वो आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे, बिलीव मी। और कुछ लोगों को यहाँ पे, ये देखिए जर्नल है यहाँ पे, स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने इसे जर्नल बोला। तो
ये यही है आप लोग यहाँ पे जो मैं आपको मैसेज दे रही थी कि आपके ड्रीम्स बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. आपके ड्रीम्स में आपको बहुत बड़े बड़े मैसेजेस मिलेंगे. आप बहुत चीज़ें अनफोल्ड करेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है. तो उनको आपने मॉर्निंग में उठते ही लिखना है, क्योंकि अक्सर जो विविड ड्रीम्स होते हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब ड्रीम्स होते हैं, अक्सर हम उठते ही उन्हें भूल जाते हैं. तो यहाँ पर आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है. उन्हें जर्नल कीजिए, ठीक है. अगर आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन थोड़ा ख़राब है, या मैं कहूँगी रूटीन बहुत बिजी रूटीन है आपका, तो एक जर्नल बनाइए, एक रूटीन चार्ट बनाइए अपना, ठीक है, ताकि आप वो मेडिटेशन का वक्त ज़रूर निकाल पाएँ. देखिए, मैं बार बार आपको मेडिटेशन के लिए बोल रही हूँ, और ये जो जर्नल है ना, या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज, ये जो जर्नल है ना आपकी लाइफ में, वो मैजिक लाएगा. ये आपके आपके समय को, ये घड़ी है, ये आपके समय को बदल देगा. आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी. कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हैं, या अगर आप बिना सोचे समझे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब सोचना नहीं है आपको, कुछ लिखिए, लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी आए उसी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिल जाएगा, बिलीव मी, ठीक है. और जर्नी, आप एक जर्नी पर हैं, ठीक है, आपकी एक जर्नी है, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की उस लाइट को क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप मैसेज. एक्वेरियस, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए. मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल हों और आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पाएँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.